हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम स्किन वाइटनिंग विटामिन सी सीरम बनाएंगे। ये सीरम हमारे स्किन कॉम्प्लेक्शन को बहुत ही फेयर बनाता है, साथ ही हमारे स्किन पर से किसी भी तरीके के एक्ने स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और सनटैन को रिमूव करता है। ये हमारे डिस्कलरेशन और डार्क पैचेस की समस्या को दूर करता है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो कि हमारे फाइन लाइन्स और रिंकल्स को भी रिड्यूस करती हैं। प्लस इसके रेगुलर यूज से हमारी स्किन एकदम क्लिस्टर क्लियर, स्पॉटलेस और ग्लोइंग हो जाती है। तो आइए विटामिन सी सीरम बनाना शुरू करते हैं। विटामिन सी सीरम बनाने के लिए मैंने ये दो विटामिन सी की टैबलेट्स ले ली हैं। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही इजीली मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें ये दो विटामिन सी की टैबलेट्स डालेंगे। जार का ढक्कन लगाएंगे और टैबलेट्स को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने टैबलेट्स को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो अब हम इन विटामिन सी के पाउडर को एक बोल में अलग निकालेंगे। उसके बाद हम इसमें ये दो चम्मच गुलाब जल ऐड करेंगे और इसे आधे घंटे के लिए इसी तरह रखा छोड़ देंगे ताकि विटामिन सी की सारी गुडनेस गुलाब जल में अच्छे से आ जाए। तो ये लगभग आधे घंटे बाद आप देखेंगे कि विटामिन सी की सारी गुडनेस गुलाब जल में अच्छे से आ गई है। तो अब हम एक स्ट्रेनर की हेल्प से इसे अच्छे से छान लेंगे। इसे एकदम बारीक छन्नी में छानेंगे ताकि हमारे जो सीरम है वो एकदम स्मूथ बने। विटामिन सी हमारी स्किन को लाइटन, ब्राइटन और वाइटन बनाता है। ये हमारी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करता है और साथ ही हमारे ब्लेमिशेस और यहाँ तक कि हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को भी एकदम जड़ से ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट अब हम इसमें ये एक चम्मच ग्लिसरीन ऐड करेंगे। ग्लिसरीन हमारी स्किन को हाइड्रेट रखती है और साथ ही हमारी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट और सफल भी बनाती है। नेक्स्ट अब हम इसमें ये एक चम्मच ऑलमंड यानी कि बादाम का तेल ऐड करेंगे। अगर आपके पास बादाम का तेल नहीं है तो आप इसकी जगह ऑलिव ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। बादाम का तेल हमारी स्किन को डीप मॉइस्चराइज करता है और साथ ही स्किन को बहुत ही रेडिएंट भी बनाता है। नेक्स्ट अब हम इसमें एक विटामिन ऑयल का कैप्सूल ऐड करेंगे। विटामिन ऑयल हमारी स्किन पर ग्लो लाता है, प्लस इसके रेगुलर यूज़ से हमारे डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम भी एकदम दूर हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हो सके तो आप भी इसमें एक दो विटामिन ऑयल के कैप्सूल ज़रूर ऐड करें। और अब हम इसमें ये 7-8 ड्रॉप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के ऐड करेंगे। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल हमारे एक्ने और पिंपल्स की समस्या को दूर करता है और साथ ही हमारी स्किन को किसी भी तरीके के इन्फेक्शन होने से भी बचाता है। और अब हम लास्ट में इसमें ये 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। एलोवेरा जेल में कूलिंग और सूदिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये हमारी सन डैमेज स्किन को रिपेयर करता है और साथ ही स्किन को बहुत ही स्मूथ बनाता है। तो यह मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यह मैंने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हैं और आप देखिए हमारा विटामिन सी सीरम बनकर एकदम रेडी हो गया है। तो अब हम इस तरह कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर ले लेंगे और इसमें सीरम को स्टोर करेंगे। तो यहाँ आप देखिए मैंने सीरम को कंटेनर में फिल कर लिया है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको कवर कैसे अप्लाई करना है। तो बेसिकली आप जब भी सीरम को अप्लाई करें तो अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें और इस तरह थोड़ा सा सीरम लेकर इसे अपने फेस और नेक एरिया पर इस तरह जेंटली अप्लाई करें और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। आप इस सीरम को डे में भी यूज़ कर सकते हैं, पर ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इसे नाइट में यूज़ करें, क्योंकि नाइट में यूज़ करने से आपको इसके रिजल्ट दुगने मिलेंगे। तो रात को सोने से पहले आप इस सीरम को अपने फेस और नेक एरिया पर ज़रूर अप्लाई करें और सुबह उठकर किसी भी माइल्ड फेस वॉश से अपने फेस को वॉश कर लें। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये न्यूड ब्रांड का गॉट मिल्क फेस वॉश यूज़ करें। गॉट मिल्क में भरपूर मात्रा में अल्फा हाइड्रोक्साई एसिड्स होते हैं। ये हमारी स्किन पर एज अ नेचुरल एक्सफोलिएटर का काम करता है, इसलिए हमारी स्किन पर से सारे डर्ट, इम्प्योरिटीज़ और टॉक्सिन्स को रिमूव कर हमारी स्किन को एकदम रेडिएंट बना देता है। ये हमारे स्किन के पीएच लेवल को भी बैलेंस करता है और साथ ही स्किन को किसी भी तरीके के इन्फेक्शन होने से भी बचाता है। प्लस इस फेस वॉश की खास बात यह है कि इसमें कोई भी हार्श केमिकल्स एडिड नहीं है और इसे विमेन ही नहीं मैन भी यूज़ कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये हर स्किन टाइप को सूट हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप भी इस फेस वॉश को एक बार ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और इसे परचेज करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस सीरम के रेगुलर यूज से आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन बहुत ही फेयर हो जाएगा, आपके डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेंगे और आपकी स्किन एकदम क्लिस्टर क्लियर, स्पॉटलेस और ग्लोइंग हो जाएगी।
तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।